नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी कॉलेज सिवान। आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग नैतिक निर्णय के स्वरूप और नैतिक निर्णय के विषय पर विचार कर रहे हैं। नैतिक निर्णय के स्वरूप में हम लोगों ने देखा था कि नैतिक निर्णय मानसिक, शारीरिक और बाह्य परिणाम के रूप में विभक्त है और इसके भी अलग अलग अवयव हैं। नैतिक निर्णय एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निर्णायक, निर्णय का विषय, निर्णय के लिए मानदंड और निर्णायक व्यक्ति में निर्णय की क्षमता का होना आवश्यक है। अब नैतिक निर्णय में मानसिक अवस्था, भौतिक अवस्था और परिणाम की अवस्था होती है, तब दार्शनिकों में यह विवाद का विषय हो जाता है कि मानसिक अवस्था या शारीरिक अवस्था या बाह्य परिणाम या फल की अवस्था पर नैतिक निर्णय दिया जाए या कर्म को शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित बताया जाए। मानसिक अवस्था में भी प्रमुख रूप से प्रेरणा, साधन, अभिप्राय, ये तीन अवस्थाएं आती हैं। साथ ही साथ फल की अवस्था आती है। हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में नैतिक निर्णय के फलवादी सिद्धांत पर विचार किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि उपयोगितावादी और सुखवादी बाह्य फल को ही नैतिक निर्णय का विषय मानते हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि प्रेरणा या मानसिक क्रियाएं फल से ही निर्धारित होती हैं। चूंकि मानसिक क्रियाओं में फल का विचार रहता है, इसीलिए वे शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित होती हैं। जो परिणाम आना है उसके बारे में पहले से विचार करके ही कर्म की तरफ व्यक्ति प्रेरित होता है, इसलिए फल ही महत्वपूर्ण है। परंतु अंतः अनुभूतिवादी इस मत का खंडन करते हैं। उनके अनुसार कार्य बाह्य जगत की घटना है, उसमें व्यक्ति से ज्यादा बाह्य कारकों का प्रभाव रहता है। बाह्य परिणाम को नैतिक निर्णय का विषय नहीं माना जा सकता है। यह सही है कि व्यक्ति परिणाम के बारे में, फल के बारे में सोचता है, लेकिन फल व्यक्ति के वश में नहीं होता है। कभी कभी जो फल व्यक्ति सोचता है उसके विपरीत परिणाम भी आते हैं। इसलिए बाह्य फल के आधार पर किसी कर्म को
नैतिक या अनैतिक, उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ नहीं कहा जा सकता है। इस मत के समर्थक इमैनुअल कांट, बटलर और डेविड ग्रीन हैं। कांट के अनुसार हमारे कर्मों के परिणाम उन कर्मों को नैतिकता प्रदान नहीं करते हैं, शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित सिद्ध नहीं करते हैं। बटलर के अनुसार किसी कर्म का राइट या रॉन्ग होना, सत्य या असत्य होना अधिकांशतः उसकी प्रेरणा पर आधारित होता है जिसके लिए वह किया जाता है। व्यक्ति प्रेरणा से प्रेरित होकर, अपनी इच्छा से प्रेरित होकर कर्म की तरफ प्रवृत्त होता है, न कि फल से प्रेरित होकर। फल बाद की अवस्था है। व्यक्ति में पहले कर्म के प्रति एक भूख, एक एपेटाइट उत्पन्न होती है, एक इच्छा उत्पन्न होती है, और उसके बाद उसमें लालसा उत्पन्न होती है, विष उत्पन्न होता है। उसके बाद की अवस्था आवश्यकता की अवस्था आती है और तब उसमें प्रेरणा आती है। मनुष्य उसकी तरफ प्रेरित होता है कि मैं भी इस कर्म को कर सकता हूँ, इस फल को प्राप्त कर सकता हूँ। बटलर के अनुसार यही प्रेरणा कर्म का उत्स है, कर्म को उत्पन्न करती है। यह हमें इसी को उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है, जैसा चरित्र होता है, वैसी ही उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है। जैसे किसी छात्र के मन में आईएएस बनने की संभावना तब होती है जब उसकी महत्वाकांक्षा शासन करने की होती है। किसी व्यक्ति में प्रोफेसर बनने की महत्वाकांक्षा तब उत्पन्न होती है जब उसमें अध्ययन की प्रवृत्ति होती है। किसी छात्र में वैज्ञानिक बनने की संभावना तब होती है जब वह शोधवृत्ति का होता है। तो प्रेरणा व्यक्ति के चरित्र का निर्णायक है, इसलिए प्रेरणा को ही नैतिक निर्णय का विषय मानना चाहिए, ऐसा बटलर मानते हैं। ग्रीन के अनुसार इट इज नॉट बाय द आउटवर्ड फ्रॉम दैट वी नो व्हाट मोरल एक्शन इज, बट वी नो इट सो टू स्पीक ऑन द इनर साइड। अर्थात नैतिक कर्म क्या है ये बाह्य जगत से पता नहीं चलता। जब हम अपने अंदर देखते हैं, हम भीतर मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, तो कौन सी क्रिया शुभ होगी और कौन सी क्रिया अशुभ होगी यह पता चलता है। कोई व्यक्ति किसी को मारना चाहता है या किसी की मदद करना चाहता है, इसका निर्णय मानसिक स्तर पर होता है, फल के स्तर पर नहीं होता है। निर्णय, नैतिक निर्णय बाह्य फल को देखकर नहीं किया जा सकता है। नैतिक निर्णय मानसिक क्रिया या आंतरिक क्रिया का अध्ययन करके ही
निर्धारित किया जा सके। इसी तरह कांट कहते हैं कि देयर इज नथिंग इन द होल वर्ल्ड और इवन आउट ऑफ इट दैट कैन बी कॉल्ड गुड विदाउट क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट ए गुड विल। अर्थात किसी भी कर्म को इस दुनिया में या इस दुनिया के बाहर भी शुभ नहीं कहा जा सकता है जब तक उस कर्म के पीछे प्रेरणा शुभ नहीं हो, विल शुभ नहीं हो, संकल्प शुभ नहीं हो। कांट गुडविल को कर्म का स्रोत मानते हैं। उनके अनुसार शुभ संकल्प शुभ कर्म उत्पन्न करता है और संकल्प अगर शुभ नहीं है तो कर्म शुभ नहीं हो सकता है। व्यक्ति जो भी कर्म करने के लिए प्रेरित होता है वह यह सोचकर करता है कि इसका फल मेरे लिए शुभ होगा, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। अर्थात मन में किए गए निर्णय से ही कर्म का संपादन होता है, इसलिए कर्म नैतिक निर्णय का विषय प्रेरणा होना चाहिए। इनके अनुसार नैतिक निर्णय का विषय प्रेरणा है, परंतु अंतः अनुभूतियों वादियों का यह विचार भी एक पक्षी है। प्रेरणा एक मानसिक तथ्य है, कर्म मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और बाह्य जगत के स्तर पर होता है। किसी एक तथ्य को ध्यान में रखकर दिया गया निर्णय एकपक्षीय होगा, एकांगी होगा। ऐसी स्थिति में अंतः अनुभूतिवादियों का यह कहना कि प्रेरणा ही नैतिक या अनैतिक होता है एकपक्षीय है। दूसरी कठिनाई यह है कि प्रेरणा एक मानसिक तथ्य है, इसका पहचान कठिन है। कांट के अनुसार शुभ फल देने वाली प्रेरणा शुभ प्रेरणा है, वे इसे शुभ संकल्प कहते हैं। लेकिन शुभ संकल्प को पहचानना कठिन है। व्यक्ति कह सकता है कि मैंने यह कार्य शुभ संकल्प से किया था। विलियम लिली के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि शुभ संकल्प शुभ फल देने वाला। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा था कि अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिसमें व्यक्ति शुभ संकल्प के साथ कार्य करता है लेकिन उसका फल अशुभ होता है। जैसे डॉक्टर किसी मरीज को ठीक करने के लिए दवा देता है और उस दवा का रिएक्शन हो जाता है, दवा का साइड इफेक्ट हो जाता है और उसके चलते व्यक्ति और बीमार पड़ जाता है। इसी तरह हाल फिलहाल में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन उस लॉकडाउन से गरीबों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। उद्देश्य शुभ होने के बावजूद फल अशुभ प्रतीत होने लगा। इसलिए केवल शुभ संकल्प किसी कर्म को उचित या अनुचित नहीं ठहरा सकता है। परिवार का भरण पोषण शुभ संकल्प है, परंतु चोरी करके
परिवार का भरण पोषण करना अनुचित है। इस तरह यह प्रतीत होता है कि परिणामवादी और अंतः अनुभूतिवादी दोनों एकपक्षीय और अपूर्ण विचार के पोषक हैं। नैतिक निर्णय में प्रेरणा, प्रयोजन, साधन तथा परिणाम बराबर महत्व रखते हैं। अगले व्याख्यान में हम लोग साधन के महत्व पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।